तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चेन्नई में दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान सपा के प्रमुख अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद अखिलेश यादव अपने संबोधन में बीजेपी पर जमकर गरजे। पहले तो अपने संबोधन में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पहले वीपी सिंह की प्रतिमा पर चर्चा की। इस प्रतिमा के अनावरण से वो लोग जिन्हें हजारों साल से न्याय की उम्मीद थी, बराबरी की उम्मीद थी, अब वो हमारे साथ खड़े होकर इस लड़ाई को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि स्टैचू लग जाने के बाद वो लोग जिन्हें हजारों साल से न्याय की उम्मीद थी, बराबरी की उम्मीद थी, वो और हमारे साथ खड़े होकर के कदम से कदम मिलाकर के आपका साथ देने का काम करेंगे। आपके साथ खड़े होकर के इस लड़ाई को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। इस दौरान आगे अपने संबोधन में अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को जमकर घेरा और गंभीर आरोप लगा दिए। बोले, दिल्ली में बैठी सरकारें आज प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रही है। इन लोगों ने हमें और आपको कभी हमारा अधिकार नहीं दिया, इसलिए ये लड़ाई अभी जारी है। और जो दिल्ली की सरकारें हैं, जिन्होंने हमें और आपको कभी अधिकार नहीं दिया, वो अब प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। और अगर प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे तो सोचिए, जिस लेगेसी को हम लेकर के जा रहे हैं, जिन लोगों को हम लोगों ने हक और सम्मान दिलाया है, अगर ये चीजें प्राइवेट हाथ में चली जाएंगी तो शायद हमारा वो सपना अधूरा रह जाएगा। हमारी आपकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जैसा कि रास्ता दिखाया था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, मंडल कमीशन ने, या हमारे डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने, वो रास्ते पे चल करके, और जो आपके पिता जिन्होंने इस स्टेट में केवल 27% नहीं बल्कि उसको बढ़ाने का काम किया था। बता दें कि इस पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की प्रतिमा को प्रेसिडेंसी कॉलेज परिसर में स्थापित किया गया है। अनावरण के बाद सीएम स्टालिन, अखिलेश यादव समेत कई लोगों ने प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। दरअसल अप्रैल में ही सीएम स्टालिन ने जनता से प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की थी, जो कि आज जाकर पूरा हुआ।